डिस्टर्बेंस आने लगते हैं, ची चा पू किटर पिटर आने लगती है। ओ देखा गड़बड़ हो जाती ना अभी। दोस्तों जिन लोगों ने बीच में वीडियो छोड़ दी होगी उन लोगों को ये पॉइंट सीखने को नहीं मिलेगा, तो उससे बचने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं बताना आपको भूल गया। साथियों आज आया है मेरे पास ये पैनासोनिक का 32 इंची का LED TV। दोस्तों इसमें फॉल्ट है कि इसमें कोई साउंड नहीं आ रही है। देखिए सबसे पहले मैं टीवी की वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। देखिए 95, 6, 7, 8 और ये हो गई 100। सेट टीवी की वॉल्यूम 100 हो गई और ये अपने सेट बॉक्स की वॉल्यूम भी मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों और ये सेट बॉक्स की वॉल्यूम भी हो गई 100। ठीक है दोस्तों अब अपनी वीडियो को करते हैं प्ले। ये मैंने वीडियो कर दी प्ले। देखिए दोस्तों ये ऐड आ गई, इसमें ऐड को स्किप करेंगे हम। देखिए दोस्तों हमारा म्यूज़िक चालू हो चुका है लेकिन ऑडियो नहीं आ रही है। वॉल्यूम सेट बॉक्स का फुल है और ये टीवी का वॉल्यूम भी फुल है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या खराबी है, स्पीकर ख़राब है, इसका IC ख़राब है या कोई और इसमें फॉल्ट है, चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम इसकी रिपेयरिंग। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं इस टीवी की बैक साइड में। तो दोस्तों अब मैं खोल लेता हूं इसके सारे स्क्रू। तो दोस्तों इसके पेच हमने खोल दिए, अब करते हैं इसका बैक अलग। ओ लेकिन ये क्या है इसके अंदर, ये मेन हटाया मैंने। दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये देखिए इसका जो है ना सारा सिस्टम बैक में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसका ये बैक लाइट का कनेक्शन हटा रहा हूँ एक बार के लिए। साथियों इसको क्या करना पड़ेगा मुझे अब आपको समझाने के लिए, सारा सिस्टम इसमें से निकाल के साइड में रखना पड़ेगा ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो मैं इसको खोल लेता हूँ फटाफट, इसके सारे पेज खोलूँगा बोर्ड के, स्पीकर बाहर निकालूँगा दोस्तों, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। वैसे ज़्यादातर में क्या है इसके अंदर ही फिट होता है सारा कुछ, ये उल्टा सेट बना हुआ पैनासोनिक का सेट है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसकी फिटिंग है सारी, ये निकाल लिए, साइड में करता हूँ और इस बोर्ड को करता हूँ बाहर। इस प्रकार से बाहर आ जाएगा दोस्तों, ये बोर्ड बाहर आ गया। ये देखिए इसकी साइड की फिटिंग भी हटा देता हूँ इस तरीके से। ये इसके स्पीकर है और ये इसका सेंसर, ये सेंसर निकालता हूँ यहाँ से। इस प्रकार से दोस्तों इसके सारे कनेक्शन हटाते हैं हम। ये बोर्ड हो गया साइड में, स्पीकर को भी मैं दोस्तों हटा देता हूँ एक बार। पत्ती वाला स्पीकर है तो पत्तियाँ थोड़ी मोड़नी पड़ेंगी। देखिए इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया अलग। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ इसके अंदर स्पीकर, अगर हमारे स्पीकर ठीक होंगे तो इस पर दोस्तों कंटिन्यूटी आएगी। स्पीकर टेस्ट करने के लिए क्या होगा, आप अपने अपने स्पीकर की एक एक वायर हटा देंगे दोस्तों। देखिए एक तार हटा दी मैंने और एक तार यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को रखेंगे बीप रेंज में, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कितनी आ रही है कंटिन्यूटी, लगभग 4 ओम बता रहा है और बीप भी आ रही है, तो इसका मतलब स्पीकर हमारा ठीक है। और इधर देखिए, इधर भी देखिए दोस्तों लगभग 4 ओम और बीप भी आ रही है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो क्या करेंगे आप सेल लेंगे और एक तार से इसके ऊपर छुआ के ऐसे देख लेंगे। जैसे मैंने 2 सेल जुड़े हुए हैं तो इससे मेरे को आसानी हो जाती है, मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ कई बार। ऐसे लगाया और ऐसे देखिए ऐसे आवाज़ आए ना, तो समझ लीजिए ठीक है। ऐसे ये देखिए तो ये ठीक है दोस्तों हमारे स्पीकर। ये तो एक जुगाड़ वाला तरीका बताया मैंने आपको। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब स्पीकर अपना लगाते हैं, अब नापेंगे इसके पॉइंट्स पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों लेकिन अभी क्या है, ऐसे शॉर्टिंग हो सकती है, अभी हमारा बोर्ड इस पर टच होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ इस केस में बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी किसी और केस में नहीं। मैं एक कागज़ लगाता हूँ इसके अंदर इस तरीके से, इस तरीके से कागज़ लगा लेता हूँ ताकि इंसुलेटर का काम करे ये, ठीक है। और इसको यहाँ लगाते हैं और ये लगा देते हैं अपनी बैक लाइट और ये ऑडियो वीडियो का कनेक्शन, ऑडियो 1, ऑडियो लेफ्ट राइट और ये वीडियो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया और ये हो गया हमारा स्पीकर। और TV को करते हैं दोस्तों ऑन। TV ऑन करने के लिए सप्लाई है, सप्लाई लगा दी मैंने दोस्तों। TV ऑन हो गया, देखिए ग्रीन लाइट आ गई है इसमें, लेकिन आवाज़ हमारी नहीं आ रही है। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने स्पीकर के पॉइंट्स पर सबसे पहले मल्टीमीटर को रखूँगा 20 वोल्ट की रेंज में
और देखिए यहाँ पे वोल्टेज नापते हैं कितनी वोल्ट आ रही है, सब एक ग्राउंड पे आ रही है। यहाँ देखिए दोस्तों कुछ वोल्टेज नहीं है। इसी प्रकार से अपने दूसरे साइड पे नापते हैं, यहाँ यहाँ भी नहीं है वोल्टेज दोस्तों। ये ऑडियो आउटपुट का आईसी लगा हुआ है तो इसमें देखते हैं, ये एक मोटर रेजिस्टेंस लगी है, इस पर नापते हैं पहले। दोस्तों आ रही है 12.9, लगभग 13 वोल्ट के लगभग आ रही है। इस साइड भी आ रही है, इस साइड भी आ रही है। ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इन पर नापते हैं दोस्तों। इस पर भी दोस्तों 12 वोल्ट और इस पर ही 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, ये आ रही है। लेकिन हमारे स्पीकर वाले पॉइंट्स पर सप्लाई कोई नहीं आ रही है, देखिए। तो इसका मतलब ये आईसी हमारा ख़राब हो सकता है। तो मैं थोड़ा ऑडियो वगैरह चेक कर लेता हूँ, ऐसे कई बार ऑडियो आ जाती है तो दोस्तों नहीं आ रही है। दोस्तों अब इस आईसी में फॉल्ट ढूंढने की बजाय मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑडियो बोर्ड इसमें कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें फॉल्ट ढूंढने का मतलब है अपना समय वेस्ट करना, क्योंकि आजकल मार्केट में ये उपलब्ध है आसानी से, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कनेक्शन और इसमें ऑडियो के कनेक्शन कैसे ढूंढ के मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा टीवी ऑन हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ शीशे में पिक्चर, क्योंकि टीवी को उल्टा करना ऐसे खतरनाक होगा। ये देखिए आपको, देखिए जियो टीवी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, देखिए पिक्चर भी चल रही है इसके अंदर, ठीक है, यानी आवाज़ हमारी आ नहीं रही है अभी। दोस्तों ये है वो बोर्ड जो हम इसमें लगाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे इस पर क्या लिखा हुआ है, DC 8 वोल्ट से 24 वोल्ट, यानी इसके लिए सप्लाई चाहिए होगी हमें 12 वोल्ट, क्योंकि हमारे साइड में 12 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों। और ये है राइट GND लेफ्ट, यानी इनपुट है दोस्तों, ये इनपुट हो गई दोस्तों, ये राइट हो गई, ये GND और ये लेफ्ट। और दोस्तों ये है राइट स्पीकर, ये लेफ्ट स्पीकर, यानी राइट स्पीकर, ये लेफ्ट स्पीकर। तो सिर्फ यही कनेक्शन करने दोस्तों हमें, सबसे पहले हम सप्लाई का करेंगे और स्पीकर के दोनों कनेक्शन करते हैं, और ये इनपुट हम अपने टीवी के साथ खोजते हैं और अपने टीवी के साथ लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। दो तारे सप्लाई की उठा लेता हूँ और स्पीकर की तारें डायरेक्ट लगाएंगे दोस्तों। ये अपनी स्पीकर की वायर दोस्तों अलग कर लेता हूँ मैं, इसमें से स्पीकर की वायर अलग कर ली मैंने, दोनों पॉइंट काटूँगा और उसमें लगा दूँगा। और इस प्रकार दोस्तों अपनी स्पीकर की वायर्स को मैं कट करता हूँ, ठीक है, और दोनों सिरों को छील के इस पर कर लूँगा सोल्डरिंग। दोनों तारों पे लगाएंगे पेस्ट, अब कर देता हूँ इस पर सोल्डरिंग थोड़ी थोड़ी, इससे क्या दोस्तों सोल्डरिंग करने में आसानी होती है। अब ये ब्लैक वाली दोस्तों नेगेटिव है, और जिस पे जो वाइट और रेड है वो बनेगी दोस्तों पॉजिटिव स्पीकर के लिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, R प्लस और माइनस, ठीक है, उसी हिसाब से मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। पॉजिटिव वाइट वाली है और नेगेटिव ब्लैक वाली है। प्रकार से दोस्तों ये सोल्डर हो गया, ये एक पिन और ये दूसरी पिन। ठीक है, इसको सरफेस को प्लेन कर देंगे एकदम, फालतू पिन काट देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरी रेड वाली प्लस है और ब्लैक वाली माइनस। और इसको भी कर देंगे कट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे दोनों स्पीकर्स के कनेक्शन। अब दोस्तों ले लेंगे सप्लाई 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के लिए। उसके लिए दोस्तों मैं ब्लैक को तो माइनस बनाऊंगा और ब्राउन को बनाऊंगा पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस प्रकार से इन पॉइंट्स पर भी सोल्डरिंग कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है, फालतू की तारें उसी प्रकार से हम कट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गई, और देखिए अब 12 वोल्ट कहाँ आ रही है हमारे सेट में, हमारे सर्किट में 12 वोल्ट आ रही है दोस्तों। इस वाले पॉइंट पे नाप लेते हैं, अपना मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों 20 वोल्ट की रेंज में। नेगेटिव लगाता हूँ यहाँ दोस्तों, जैसा कि इस वाली रेजिस्टेंस पे आ रही थी सप्लाई, तो देखिए इस पे देखिए 12.9 यानी 13 वोल्ट, यानी हमें चाहिए 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक, तो इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं अपनी। टीवी को करेंगे ऑफ, टीवी ऑफ कर दिया, और देखिए दोस्तों नेगेटिव लगा देंगे, ट्यूनर पे लगा सकते हैं, और पॉजिटिव लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे, ब्राउन वाली पॉजिटिव और ब्लैक वाली नेगेटिव। पॉजिटिव दे देता हूँ दोस्तों इस जगह, और नेगेटिव लगा देता हूँ ट्यूनर पे लगा देते हैं। ट्यूनर पे लगाने के लिए
प्रकार से हमें सॉल्टरिंग करनी होगी। दोस्तों लगता है चाइना मटेरियल है, इस पर सॉल्टरिंग नहीं हो रही दोस्तों। हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखा गड़बड़ हो जाती ना अभी। तो दोस्तों सबसे पहले पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ब्राउन बनाई थी हमने। यहाँ पे हमने ऐसे आयरन से सोल्डरिंग करके पॉइंट बना लिया, यहाँ लगा देते नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऑडियो के लिए भी तीन तारे यहाँ से उठा लेते हैं हम, तीन तारे निकालेंगे ऑडियो के लिए। इसी प्रकार ऑडियो के लिए तीन तारे लेंगे और यहाँ से लगाएंगे और उसको भी कर देंगे सोल्डर, उसको भी सोल्डर कर देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से तीनों सोल्डर हो गई। अब दोस्तों अब है काम शुरू, असली काम अब शुरू होगा। दोस्तों क्या करेंगे आप, तीनों तारों को लेफ्ट राइट ऑडियो हो गई है, एक को बनाएंगे ग्राउंड, एक को लेफ्ट, एक को राइट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी ऑडियो टेस्ट करा दूंगा आपको। ये ग्राउंड कर देता हूँ, एक वायर ग्राउंड हम चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहीं लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इसको फिटिंग करने के लिए दोस्तों बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको ऑडियो टेस्ट करा देता हूँ। टीवी को करते हैं ऑन। देखिए दोस्तों हमारे बोर्ड के अंदर रेड इंडिकेटर आ गया है, इसका मतलब करंट इसमें आ गया। देखिए, अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें ऑडियो आ गई और अब इसमें ऑडियो आ गई। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप बड़ी सावधानी के साथ आपको चाहिए होगा इस टाइप का एक कैपेसिटर लेंगे, पीएफ कैपेसिटर लेंगे और इसको लगाएंगे इसकी पिन पर। सॉरी, इसको मैं पहले ही लगा लेना चाहिए था क्योंकि ऑडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब मैं देख लेता हूँ पहले हमारा स्पीकर वगैरह ऑन है या नहीं है, हमारी वीडियो चालू हो गई या नहीं होगी। मैं देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने सॉन्ग रोका हुआ है इसके अंदर, अभी सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं। सॉन्ग प्ले हो चुका है दोस्तों, देखिए सॉन्ग चालू है हमारा। ठीक है, देख रहे हैं ना लहरें उठ रही हैं, इसका मतलब सॉन्ग प्ले है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका ऑडियो का आईसी है, बड़े ध्यान से दोस्तों, ये पीएफ मैंने इसलिए लगाया, अगर हमारी किसी पिन पे सप्लाई होगी, किसी पिन पे अगर सप्लाई होगी तो वो सप्लाई हमें हमारे आईसी बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, ये जो शुरू की तीन चार पिन है ना, इन पे लगाता हूँ दोस्तों मैं। पहले मैं लगाता हूँ इस तीन नंबर पर, ज़्यादातर मैं इसी में चांसेस होते हैं, यहाँ से तीसरी। देखिए दोस्तों पहली बार में ही आ गई ऑडियो, ठीक है, यहाँ से पहली से तीसरी, क्योंकि हमें काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया। आप क्या करेंगे, छुआ छुआ के देखेंगे। और यहाँ से देखिए, अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको छुआ छुआ के दिखाता हूँ इस वाली साइड से ना। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। आप मल्टीमीटर की लीड में फंसा लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं मल्टीमीटर की लीड में इसको फंसा देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये मल्टीमीटर की लीड में आ गया। और अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सिग्नल नहीं आया, दूसरी पे भी नहीं आया, तीसरी पे आ गया दोस्तों। दोबारा दिखाऊं, थोड़ा जूम करके, और जूम कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्तों। इस कैपेसिटर की वैल्यू बता दूं दोस्तों, आप कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हो, लेकिन मैंने लगाया हुआ है 104 लिखा हुआ है इस कैपेसिटर के ऊपर, 104K, तो यानी हो गया 0.1 MFD। ठीक है, ये देखिए पहली पिन पर लगाता हूँ, कोई ऑडियो नहीं, ठीक है, एकदम शांत। दूसरी पिन पर कोई ऑडियो नहीं। अब ये तीसरी पिन पे जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से ऑडियो आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तीसरी पिन पे आ रही है और यहाँ से भी तीसरी पिन पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अपनी मार्किंग कर लेंगे कौन सी पिन है, उसी पे आप अपना ऑडियो का कनेक्शन देंगे। फिर हम जो है दोस्तों ऑडियो इस पीएफ से उठा लेंगे। देखिए ये पीएफ है ना, ये देखिए, ये गाना ख़त्म हो गया, ऐड आ रही है, ठीक है। और मार्किंग कर लेंगे दोस्तों इन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट हमारे बन गए ना, इनसे ऑडियो उठानी है हमने। इस प्रकार से दोस्तों हम कनेक्शन करते हैं, फिर करेंगे इसको फिट। फिट करने में क्या सावधानी, वो भी बताऊंगा आपको। इन तारों को ज़रूरत के हिसाब से काटेंगे दोस्तों, बड़ी ही सावधानी से उस पर सोल्डरिंग करेंगे, फिर लगा देते हैं इनके कनेक्शन। कई सेटों में क्या होता है, हमारे मेन आईसी ख़राब हो जाता है, उसमें से ही ऑडियो नहीं आ रही होती है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई एक इनपुट सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ऑडियो वीडियो से अगर आपको टीवी चलाना है तो इस ऑडियो वीडियो पे डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। कईयों में क्या होता है, सिग्नल मिलता ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मिलता, तो वो आईसी की फॉल्ट की वजह से हो जाता है, ऑडियो निकलता ही नहीं है यहाँ से। तो हम डायरेक्ट उसमें ऑडियो यहाँ लगा सकते हैं,
इससे हमारा सेट चलता रहेगा। लेकिन हमें ऑडियो यहाँ मिल गई है तो हम ऑडियो यहाँ लगाएंगे ताकि हमारा पेन ड्राइव और HDMI का ऑडियो हमें मिल जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर देता हूँ इसके कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन मैंने कर दिया, देखिए अपने तरीके से। मैं आपको थोड़ी ऑडियो सुना देता हूँ एक बार। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो जो कनेक्शन हमने किए हैं ना, क्योंकि PCB का प्रिंट होता नाजुक, उसके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, आप ग्लू लगा देंगे ताकि हमारे कनेक्शन वगैरह उखड़े ना। मैं देखिए अभी ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन लगेगा उसमें टाइम, तो मैं अभी सोल्डरिंग आयरन से ही इसको पिघला के लगा रहा हूँ आपका और अपना समय बचाने के लिए। दोस्तों अभी ग्लू गन गर्म करने में निकल जाएगा मेरा टाइम। देखिए इसको ऐसे ऐसे लेंगे और ऐसे इस पर लगा देंगे दोस्तों, ताकि हमारा कोई फॉल्ट ना हो। ठीक है, इस प्रकार ये होगा हमारे ग्लू के कनेक्शन, और इसके कनेक्शन तो मजबूत हो ही गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब बनाते हैं इसकी फिटिंग। देखिए हमारा सेट तो उल्टा था क्योंकि इसका सारा कुछ बैक में फिट था। अगर आपका नॉर्मली खुल रहा हो सेट, नॉर्मली फिटिंग वाला सेट हो, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अपने बोर्ड की सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये सब मैं हटा देता हूँ एक बार। देखिए आपने क्या करना है, अपने बोर्ड की सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये तो मैंने देखिए जैसे ये है, आप इस बोर्ड को जो है इस सर्फेस के ऊपर डायरेक्ट नहीं कसेंगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं कसना है आपने। आपने क्या करना है, ऐसी डबल टेप आती है उसको लगा देंगे, जहाँ भी कसना है आपने उसके पास ये लगा देंगे, या बोर्ड के पीछे इस डबल टेप को लगा देंगे और फिर इस बोर्ड को अपने कोई एक पॉइंट देख के कस देंगे उसको। ठीक है, इस प्रकार से करना है दोस्तों आपने, समझ गए। अब लेकिन मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरे को क्या करना है, मेरे को सेफ्टी की यूज़ करनी है। मेरी जो फिटिंग है इस प्रकार से है, तो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ इस प्रकार से बोर्ड को, और इस बोर्ड को यहाँ चिपका देता हूँ। LED की बैकलाइट चिपकाने के लिए टेप आती है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल गमिंग होती है इसकी। मैं इसको लगा दूंगा अपने बोर्ड के पीछे और यहाँ इसको चिपका देता हूँ। कैसे करूँगा, इस प्रकार से देखिए इसको लेता हूँ और इसके 3-4 लाइनें ऐसे बनाता हूँ और इसको कसता जाता, उसको चिपकाता जाता हूँ इस प्रकार से दोस्तों। इसको लगाया और इसका स्टिकर को हटाता हूँ और ये देखिए गमिंग इसके पीछे आ जाएगी। ये दोस्तों बहुत हैवी गमिंग होती है, और इस बोर्ड को अपने को यहाँ सावधानी के साथ फिक्स कर देंगे। ये हमारा बोर्ड हो गया फिक्स। ठीक है दोस्तों, अब ये हिलेगा नहीं। कोई और दिक्कत हो तो दोस्तों आप इसके ऊपर उसी प्रकार से अपनी ग्लू स्टिक लेके भी हम इसको चिपका सकते हैं। ग्लू स्टिक गर्म करेंगे थोड़ी सी और इस प्रकार से इसको चिपका देता हूँ। ये हमारी चिपक गई, अब इसकी फिटिंग बना देते हैं दोस्तों फटाफट, और फिर मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने इसको खोला था, हमने ठीक उसी प्रकार से इसको फिट कर दिया है। एक बार फिट करने से पहले आपने कनेक्शनों की जाँच कर लेनी है, कोई दिक्कत ना हो। अभी हमारा बैकलाइट का कनेक्शन इसे जोड़ेंगे और करेंगे हम अपने TV को फिट। इस प्रकार से दोस्तों मैं अपना ये बैक लगा रहा हूँ इसका, ठीक है, और ये उठा के इसका बैकलाइट का कनेक्शन मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, बड़ी सावधानी के साथ अपने हाथ की सहायता से इसके अंदर मैं बैकलाइट का कनेक्शन ये क्लिक हो गया। अब इसके पेच लगा देता हूँ। इसके पेच लगाने के बाद फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारे सेट में बिना आवाज़ के ही डिस्टर्बेंस आने लगती है, ची चा पू किटर पिटर आने लगती है, तो उससे बचने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं बताना आपको भूल गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सेट को ऑफ़ करेंगे। ये सेट मैंने ऑफ़ कर दिया दोस्तों, क्योंकि देखिए सेट, देखिए अभी किटर किटर की आवाज़ आ रही है ना, ये आई है, देखिए ये जो आवाज़ आती है ना, ये दिक्कत करती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपनी जो है ना सप्लाई यहाँ ना लगाने के बाद यहाँ से हटा देंगे, और जो 12 वोल्ट का जो पॉइंट बन रहा है ना डायरेक्ट, उस पॉइंट पे हमने लगा देनी है। सबसे पहले हम इस सेट को यहाँ से हटाते हैं सप्लाई को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट हमने हटा लिए, और ये देखिए 12 वोल्ट का पॉइंट कहाँ बन रहा है हमारे सेट में, यहाँ लिखा हुआ 12 वोल्ट DC, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं लगा देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, नॉइस आने की चांसेस कम हो जाएंगे। ये तार को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ी तार है, तो दोस्तों इसको तार को छोटा करके यहीं लगा देता हूँ। दोस्तों 12 वोल्ट कहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ 12 वोल्ट, और हमने नाप के भी देख लिया 12 वोल्ट ही है। ये ग्राउंड हो गया दोस्तों GND, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। इस प्रकार से अपने कनेक्शन हमने कर दिए दोस्तों, ये देख लीजिए एक बार, 12 वोल्ट ये ग्राउंड है GND, और ये 12 वोल्ट पॉजिटिव, ये GND और ये 12 वोल्ट पॉजिटिव। अब देखिए अपना सेट ऑन करते हैं हम। ये किया मैंने सेट का ऑन, रेड लाइट आ गया अंदर। दोस्तों जिन लोगों ने बीच में वीडियो छोड़ दी होगी, उन लोगों को ये पॉइंट सीखने को नहीं मिलेगा,
दोस्तों ये हो गया हमारा टीवी फिट, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये टीवी हो गया है ओके, अब मैं इसमें चला के दिखाता हूँ आपको साउंड। दोस्तों इस टीवी की जो ऑडियो बोर्ड मैंने लगाया उसमें आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। अगर इसी प्रकार से आपके टीवी में फॉल्ट है तो आप भी इसको इजीली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की दोस्तों मेरे चैनल पर कई बहुत सारी वीडियो हैं, आप अगर इसी प्रकार से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल की सारी वीडियो देख डालिए। दोस्तों आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लिए एक लाइक तो बनता है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।